सो हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप सो मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे। गाइस आज पूरा मजा आ गया, क्रेजी होने वाला है सीन, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग करी है। आज जैसे आप थंबनेल में देख चुके हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो लाने में। तो आई नीड योर सपोर्ट गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, और अभी मेरे को थोड़ा सा काम है, पहले वो करते हैं चूल्हे जैसे आपको बताया था। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, चेंज कर दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। ये नीचे वाला जो है पुराना वाला था हमारा, और ये ऊपर वाला जो हम लाए हैं ये नया वाला लाए हैं पापा। अभी यहाँ पे रख दिया है, ये बॉक्स रखा हुआ है और पुराना वाला रखा हुआ है रूम में मेरे। मैं इसे यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी बाहर चलते हैं किचन में, फिर आपको मैं दिखाता हूँ नया चूल्हा। तो गाइस ये नया वाला आया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे पहले जैसा देख सकते थे, अब यहाँ पे स्पेस भी थोड़ी सी सही होगी, काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी पहले, काफ़ी ज़्यादा लेता था वो चूल्हा, अब थोड़ी सी स्पेस भी कम हो चुकी है। पाइप भी यहाँ से निकाल दिया मैंने, काफ़ी सारा काम करा था यहाँ पे भी। तो गाइस अभी मैं ध्रुव को लेने, भाई के लिए, छोटे वाले भाई को स्कूल से लेने के लिए निकल गया हूँ। और आज बहुत एक अच्छी चीज़ है जो मैं दिखाने वाला हूँ। तो पहले अभी हम शूज़ वगैरह पहनते हैं, देन फिर उसको निकलते हैं। अभी हम निकल चुके हैं, अभी पहले मैं अपने एक दोस्त को लेता हूँ और थोड़ा सा सामान लेना है मेरे को, देखते हैं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलते हैं मार्केट साइड भाई दोस्त को लेके, फिर चलते हैं ध्रुव को लेने। तो ये मेरा दोस्त आ चुका है, और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, तू बता। काफी दिनों बाद मिले हैं। अभी मैं स्कूल पे पहुंच चुका हूं, पीछे देख सकते हैं स्कूल है, छुट्टी होने वाली है और अभी थोड़ी देर में आता ही होगा वो, और उसको लेने चलते हैं। सो गाइस अभी मैं भाई और दोस्त को छोड़ के निकल चुका हूं अकेला ही शूट करने के लिए, और घर पे भाई को छोड़ दिया, दोस्त घर उसके घर छोड़ दिया है, और मैं शूट करने के लिए निकल चुका हूं। सेक्टर 5 पे जा रहा हूं गुड़गांव, जिसको आना है तो आ जाना, और अभी चलते हैं। गाइस यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे ट्रेड फेयर है और ये उसका बैनर है, यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं एक तरीके की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बैकग्राउंड शोर आ रहा होगा, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। नहीं, सबसे बड़ा ये दिक्कत मेरे को ये पड़ी है कि यहाँ पे पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज़ होगी, और यहाँ पे कैश ही होगा। तो अभी मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं से कैश कर लेगी, तो होता है तो फिर हम करते हैं। यहाँ पे एक भैया मिले हैं बाहर ही, एक स्टॉल लगा पड़ा इनका फालूदा वगैरह का, तो इनसे मैंने हेल्प ली है। तो भैया आपका नाम? राकेश कुमार इनका नाम है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इनकी शॉप पे, फालूदा वगैरह यूज कर सकते हैं। इन्होंने काफी हेल्प कर दी, मतलब मेरे पास कैश नहीं हो पा रहा था तो इन्होंने कैश कर दिया। तो थैंक यू। आप देख सकते हैं गाइस जैसे कि भाई ने दिखाया था, ये काफी शेप टाइप एक शेप दे रखी है इसकी, और इसके बाद आगे जाके पार्किंग वगैरह यहाँ पे दे रखी है आगे की साइड, और यहाँ राइट साइड से एंट्री है और यहाँ से लेफ्ट साइड से एग्जिट है। यहाँ से एंट्री को टिकट एंट्री ली जाती है, टिकट लेके फिर एंट्री होगी। तो अभी टिकट विकेट लेते हैं, सोच रहा हूँ दोस्त का वेट कर लूँ, फिर टिकट लेते हैं और फिर दोस्त के आने के बाद उससे मिलके और फिर चलते हैं अंदर। एक दोस्त के साथ मेरा एक दो और दोस्त मिल गए स्कूल के, तीनों मिल चुके हैं क्लास के, ये काफ़ी, तो आप देख सकते हैं। हेलो, ये शुभम है और साहिल है, दोनों अंदर जा रहे हैं, भाई भी साथ में चल रहा है, फाइनल डिसाइड हो चुका है। तो अभी हम टिकट कटवाते हैं और फिर अंदर चलते हैं। दो टिकट दे देना भैया, छोटा सा हॉल देख रही है। आ जा, तो अंदर चलते हैं। ये अपने गार्ड बैठे हैं टिकट चेक करने के लिए। दो भाई हम। गाइस दिस इज अ एंट्री गेट, तो अब मजा आएगा ना वीडियो, चलो अंदर। ये तो अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं गाइस, सो अब आपको हम दिखाएंगे अंदर के सीन्स, तो लेट्स गो। आप यहाँ पे आ सकते हैं, काफी अच्छे अच्छे हैं। uh,
दिस राइट साइड में जो है मेरे को ट्रेड फेयर का सबसे बड़ा झूला है। अभी इतना क्राउड हुआ नहीं। हाँ अभी क्राउड वगैरह नहीं है और पब्लिक नहीं है ना। 7 बजे भाई, 8 बजे, 8 बजे के बाद से स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी आ गया यार, इतनी पब्लिक, इतने लड़के इतनी लड़कियां आ जाएगी, क्या ही बताऊँ आपको। थोड़ा सा तू बोल भी इसमें भाई। देख रहे हो भाई साहब, मतलब इतना बढ़िया ट्रेड फेयर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे गुड़गांव लक्ष्मण विहार सेक्टर 5, लक्ष्मण विहार नहीं, गुड़गांव सेक्टर 5 सॉरी। ये ट्रेन में बैठने में बहुत मजा आया था, बैक टाइम में इसमें बैठा था, ये घुमा के पूरा अच्छे से लाई थी। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, तेरे कैमरे से सही शूट होता होगा। बिस्किट खा, आजा आप बिस्किट खाते हैं भाई, इसको मैं खिलाता हूँ आज भाई। मैं इसको लेके जा रहा हूँ स्मोक बिस्किट खिलाने के लिए और देखते हैं इसका क्या हाल होता है। पिछली बार जब मैंने खाया था मेरी तो जीभ ही चिपक गई थी, क्या ही बताऊँ। इस बार मेरा मेन रीजन भी यही था कि नाइट्रोजन बिस्किट खाने का यहाँ पे आना। बढ़िया बिस्किट खिला दूंगा, टेंशन मत लो भाई साहब। आज तो मुझे लग रहा है मेरी हालत खराब होके जाने वाली है, कल तो वैसी कर रखी थी इन्होंने, तो अभी देखते हैं। नाइट्रोजन बिस्किट कल खो गया वो बिस्किट वाला, खो गया नहीं आया आज भाई, गाइस दिया। चलो इस साइड चलते हैं, सामने खीरे वाला है। सो नाइट्रोजन बिस्किट यहाँ पे है, यहाँ पे अपना नाइट्रोजन बिस्किट मिलता है। ये भैया हमारे, भैया नाइट्रोजन बिस्किट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये आपने क्या डाला? ये बिस्किट डाले, बिस्किट डाले। कौन से फ्लेवर के डाले अंकल आपने? चॉकलेट वाला, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट डालो, चॉकलेट वाले ना, चॉकलेट वाले। और अब ये नाइट्रोजन इसके अंदर से निकाल के डालने वाले भैया। तो अपने वाले फोन से लियो एक बार, ये आप देख सकते हैं काफी नाइट्रोजन, और ये बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका अपने वाले। ये देखो भाई लोगों, अंकल बना रहे हैं नाइट्रोजन बिस्किट, और ये अपना भाई अर्चित है, मैं टेस्ट करने वाला ये टेस्ट करेगा, फिर इसके बाद मैं टेस्ट करूंगा। लेकिन मैं उस दिन की तरह नहीं खाऊंगा क्योंकि उस दिन मेरी जीभ चिपक गई थी, आज मैं बढ़िया तरीके से खाऊंगा, दांत में दबा के। अंकल इनको खाते कैसे है? दांतों पे, जीभ पे नहीं रखने। ठीक है भाई, जीभ पे रख के खाने हैं, ठीक है, जीभ पे रख के नहीं खाने, जीभ पे रख के ही खाने हैं, जीभ पे रख के। चल स्टार्ट कर, खा। ये खा लिया इसने एक बिस्किट, अरे खा भाई, मुंह बंद क्यों कर लिया, अरे क्या दिक्कत हो गई अर्चित, क्या हुआ, कुछ बोल, कुछ बोलेगा, बोला नहीं जा रहा। गाइस देख लो, इससे बोला नहीं जा रहा। अब मैं आपको खा के दिखाता हूँ बिस्किट कैसे खाते और उसके बाद बोलते कैसे, ठीक है। ये खाने वाला है बिस्किट, आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, ऐसे अभी खाया जाता है ऐसे। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे को तो खाना भी नहीं आता था। दोनों खाने वाले हैं, अब मैं खाऊंगा, इसके बच्चे पर है। अभी इसमें दो और बचे हैं, ठीक है खा लेगा, चलो कोई बात नहीं। मैंने तो खा लिए, देखो बिस्किट मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इसकी जीभ चिपक गई, इसके बस की नहीं हुई खानी, तुम्हारे भाई ने तो खा लिए। चल भाई ठीक है, चलते फिर आगे कहीं घूमने, नाइट्रोजन बिस्किट तो खा लिया हमने, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखा देते क्या, और दिखाते हरियाली वगैरह दिखाते आप लोगों को, ठीक है। दिस इज आवर सेक्टर 5 स्ट्रीट फेयर, पिज्जा एंड ये देखो भाई लोग बच्चे खा रहे हैं, बढ़िया झूले वूले, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं, कौन सा वाले झूले पे झूलेंगे, फेरिस व्हील पे, ठीक है, उस पे चलेंगे। अपना भाई आईफोन 13 प्रो मैक्स से शूट करता हुआ, देखो ये मतलब इसमें ऊंट भी है, ऊंट की सवारी भी कर सकते हो गाइस आप, ठीक है। ये देखो ऊंट की इतनी लंबी लंबी टांगे होती है, हाँ साउंड तो होगा क्योंकि यार इतनी लाउडनेस है यहाँ पे, झूलों की म्यूजिक की, इतना क्राउड है, इतनी पीपल्स आते हैं, इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे। ये देखो आंटियां वगैरह, हैव अ लुक, ओके हैव अ वंडरफुल डे। तो
ब्लॉग खत्म हो चुका है यहाँ पे भी अंदर का, और बाहर चलते अब बाकी मेन काम देखने। तो अब भाई अपने घर निकलता है, मैं अपने घर निकलता हूँ। कल शूट एडिटिंग भी करनी है मेरे को। इस भाई का फेसबुक पे पेज है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस दो चार वीडियो में इसके काम भी करना है मेरे को भी, काफ़ी वीडियोस में भी कर सकता हूँ अभी। पहले घर पे परमिशन लेते हैं फिर काम करते हैं शुरू। और ऑलमोस्ट आप लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। भाई के अंदर घूम के आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे घूमने, सेक्टर 5 गुड़गांव अपना हरियाणा के अंदर, नियर शीतला माता मंदिर साइड। और काफ़ी मज़ा आया मेरे को तो नाइट्रोजन बिस्किट में। बाकी आप लोग और ट्राई कर सकते हैं राइड्स, मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं हो पाया था इसलिए मैंने राइड ट्राइज नहीं करी हैं। मेन तो मेरा जो था वो मैंने ट्राई कर चुका, और अभी चलते हैं आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।